Hello students, I have completed my separation of substances unit number 5. Now I am going to solve the exercise questions. Please see all the videos and aaj se exercise ke sare question aap kare. Kal tak pura kar le, parso se hum 6th lesson start karenge. आज मैं आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक करके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप देख लीजिए, आप अपने बुक में मार्क कर लें जैसा है एंड यू डू बेस्ट. आप पढ़ाई को अवॉइड ना करें, जरा मेरी बात समझें. आपकी तरह बच्चा जो CBSE का एग्ज़ाम आप देंगे, वही बच्चा कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई बॉम्बे में बैठा हुआ है, उनके पास अच्छे मोबाइल हैं, अच्छे नेट स्पीड हैं, वो पढ़ रहे हैं. आप नहीं पढ़ेंगे, नतीजा लाइफ के जंग में आप पीछे रहेंगे. आपको पढ़ना है और रोज़ कम से कम 10 घंटा स्टडी करना है, किताब पेन और कॉपी लेके. कोई डाउट है व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, आंसर हम ज़रूर बताएंगे. हम वीडियो में ऑडियो वॉइस में दे देंगे, टाइपिंग में समय ज़्यादा लगेगा. आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि स्कूल खुलते के साथ हर तरह की परीक्षा होगी. पढ़ाई से पहले वक्त कम है, 4 महीने स्कूल लगभग बंद होते जा रहे हैं. प्लीज़ पे अटेंशन, एक एक एक्सरसाइज पर ध्यान दो. अब चलो टॉपिक पर आओ, ध्यान दो. देखिए, कॉन्सेप्ट मैप फॉर द रिवीजन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अब इसमें देखिए, हमें थीम है इस चैप्टर में, कोई भी चीज़ का मिक्सर है उसको हम अलग कैसे करेंगे. सीधी सी बात है, 2 किताब हैं, एक कॉपी है, कैसे अलग करेंगे? दोनों किताब को एक तरफ रख देंगे, कॉपी को अलग कर देंगे. 2 बुक है, एक कॉपी है, एक पेन है, तो कैसे अलग करेंगे? बुक को अलग करेंगे, कॉपी को अलग करेंगे, पेन को अलग करेंगे. अब जरा ध्यान से समझिए, इस चैप्टर का थीम मिक्सर. व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर कंटेन्स 2 or more प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सर. 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस है तो उसे हम मिक्सर बोलते हैं. चावल और दाल को मिला देंगे तो मिक्सर होगा, चावल चावल को मिलाने से मिक्सर नहीं होगा, दाल दाल को मिलाने से मिक्सर नहीं होगा, ठीक है. चावल दाल और गेहूँ मिला देंगे तो मिक्सर होगा, चावल दाल और सरसों मिला देंगे तो मिक्सर होगा, तो मिक्सर है. अब देखिए, मिक्सर में 1 में आइए, सेपरेशन, और 2 में क्या होता है? टाइप्स. सबसे पहले हम टाइप्स चलते हैं. टाइप्स में क्या होता है? 2 तरह के होते हैं. एक मिक्सर है जिसका नाम होमोजीनियस मिक्सर है और दूसरे का नाम हेट्रोजीनियस मिक्सर है. होमोजीनियस में कंपोनेंट थोरोली मिक्स होता है, उसको एक दूसरे से दिखाई नहीं पड़ता, हम उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते. हेट्रोजीनियस में हर जगह उनका प्रपोर्शन अलग अलग होता है, कांस्टेंट नहीं होता है प्रपोर्शन. बालू और पानी का मिक्सर हेट्रोजीनियस है, बालू और दाल का मिक्सर हेट्रोजीनियस है, चावल दाल हेट्रोजीनियस है, मिट्टी और पानी हेट्रोजीनियस है. यहाँ होमोजीनियस मिक्सर क्या होगा? चीनी और पानी मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा होमोजीनियस, नमक और पानी मिलेंगे तो होमोजीनियस, ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सर. तो टाइप आपने पढ़ लिया. अब देखिए, होमोजीनियस मिक्सर जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन इज ऑल्सो द होमोजीनियस मिक्सर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस. उसमें कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड होता है. वैसे ही सेपरेशन कैसे करते हैं? बाय रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स एंड रिमूव द अनडिजायरेबल सब्सटेंस. किसी चीज़ को सेपरेट क्यों करते हैं? चावल में अगर पत्थर है तो पत्थर अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो व्हाई यू डू सेपरेशन? हमें सेपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को हटाना होता है, अनवांटेड चीज़ को हम हटा देते हैं, इसलिए हम इसे सेपरेशन करते हैं. बच्चों अब आइए, हम क्वेश्चन करने दीजिए, अगर हम इसमें करेंगे तो पूरा रिवीजन पार्ट चलेगा. अब जरा ध्यान दीजिए, ओ
moral question hai. Why do we need to separate different component of the mixer? Because to remove undesirable substance. अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हटाने के लिए, अनवांटेड चीज को हटाने के लिए हम मिक्सर को सेपरेट करते हैं. अब देखिए, व्हाट आर द इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स गिव टू एग्जांपल, वो चीज़ जो मिसिबल नहीं है, मिलता नहीं है, पानी और किरासन तेल मिलाओगे तो नहीं मिलेगा. तो वाटर एंड किरासन तेल, किरासन ऑयल इज इमिसिबल लिक्विड. पानी में तेल मिला दोगे, इमिसिबल लिक्विड है. मस्टर्ड ऑयल मिला दो, सरसों का तेल और पानी इमिसिबल है. लेकिन सरसों के तेल में डालडा मिला दोगे तो मिल जाएगा, रिफाइंड में डालडा मिला दोगे तो मिल जाएगा, वो मिसिबल हो जाएगा. रिफाइंड एंड मस्टर्ड ऑयल इज इमिसिबल लिक्विड्स. उसी तरह से आपका इमिसिबल में क्या हो जाएगा, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेट, छानने के बाद जो बचता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं. चलो कैसे फिल्ट्रेट करते हो, चाय बनते हुए घर में देखा, ठीक. चाय को एक छन्नी में डालते हैं, नीचे चाय आ जाता है और चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है, तो फिर चाय क्या हुआ, फिल्ट्रेट हुआ. चाय आपका फिल्ट्रेट हुआ और रिसिड्यूअल कहाँ बचता है, छन्नी में. चाय की पत्ती क्या हो गई, छन्नी में रह जाएगी, तो फिल्ट्रेट हुआ चाय. व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यू, द सब्सटेंसेस लेफ्ट इन द सीव, जो सब्सटेंस छन्नी में बच जाता है, सीव में बच जाता है, उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है. चलिए, तो आपको मैंने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कराए. अब चलिए बी नंबर, साइंस कुछ. Name the method which is used to obtain a solid substance that is dissolved in liquid. आप solid substance जो liquid में dissolve है उसे कैसे निकालोगे. Used to obtain. Name the method which is used to obtain a solid substance that is dissolved in liquid. तो पानी में चीनी अगर घुला हुआ है उसे कैसे निकालोगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और चीनी पीछे रह जाएगा, ठीक है. आपको बर्तन में चीनी मिल जाएगा और पानी उड़ जाएगा. नमक और पानी है, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है, हीट करोगे वाटर इवापोरेट कर जाएगा, सॉल्ट बर्तन में मिल जाएगा वापस, तो बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है. चलिए, हाउ डू वी गेट और बाय बॉइलिंग, हाउ डू वी गेट वाटर फ्रॉम ए साल्ट सॉल्यूशन, बाय डिस्टिलेशन. साल्ट सॉल्यूशन से वाटर कैसे मिलेगा, आपने सॉल्ट निकाल लिया और वाटर को इवेपोरेट करोगे तो वाटर वेपोराइज कर जाएगा और दूसरी जगह कंडेंस कराएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. हाउ डू वी गेट, डिस्टिलेशन में क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं, दूसरी जगह पानी जाएगा उसको हम लोग ठंडा कर देते हैं. वाटर और चीनी है, आप गर्म किया, एक पाइप के थ्रू भाप उधर गया, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी से भाप निकलता है, उसको पाइप से दूसरी जगह डाल दो, उसको ठंडा कर दो, सारा पानी उधर चला जाएगा और प्रेशर कुकर में बचा हुआ रह जाएगा साल्ट. देखिए, इसे बोलते हैं डिस्टिलेशन. अब थर्ड नंबर देंगे, गिव द नेम ऑफ द, किस प्रोसेस से हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्ट डिस्टिलेशन. चलिए, अब गिव द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग डाउन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज. अब इसको फाइन पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज को कैसे करोगे, आपको ये देखना है. सेटल डाउन, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, मड और पानी है, छोड़ दो, धीरे धीरे फाइन पार्टिकल्स सेटल करेगा
हम उसे निकाल लेते हैं। गिव द नेम ऑफ द केमिकल। अब नो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान से दो, ये नेम ऑफ द केमिकल पूछ रहा है। गिव द नेम ऑफ द केमिकल व्हिच इज यूज्ड फॉर क्विक सेटलिंग डाउन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इंप्योरिटीज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग। इसमें क्या होता है लोडिंग में, एलम यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन में बैठ जाता है लेकिन फाइन पार्टिकल नहीं बैठता है। एलम को ऐसे ऐसे पानी में जब हम घुमाएंगे फिटकरी को, एलम को, तो क्या होगा, फाइन पार्टिकल सेटल डाउन होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलम, एलम। नाउ नेम टू, आगे लिखता है नेम टू हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, सैंड एंड वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सर है। उसके बाद चॉक पाउडर एंड वाटर हेट्रोजीनियस है, ओके। दो सैंड एंड वाटर एंड चॉक पाउडर एंड वाटर, ये भी आंसर मैंने आपको बता दिया फोर्थ नंबर। चलिए अब इस पर वर्कशीट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ए सॉल्यूशन सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सर, फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑब्टेन्ड बाय ए सॉल्यूट सॉलिड। ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है, मतलब जो कम क्वांटिटी में सॉलिड, ए सॉल्यूट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑब्टेन्ड बाय। सॉल्यूट कैसे मिलेगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन से, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, डिकंडेंसेशन। सॉल्यूट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन है, घुल गया है पूरी तरह। सॉल्यूट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑब्टेन्ड बाय फिल्ट्रेशन से भी निकाल लेंगे हम, किससे निकालेंगे, सॉल्यूट सॉलिड है, कंडेंसेशन से निकालेंगे, इवापोरेशन से निकालेंगे। सॉल्यूट कैसे मिलेगा, अगर आप इवापोरेट कर देंगे तो सॉल्यूट सॉलिड बन जाएगा, सीधी सी बात। आंसर आपका इवापोरेशन से होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, सॉल्यूट सॉलिड। अब आइए दूसरा, ए मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। बालू और पानी के मिक्सर को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, फिल्टरेशन एंड कंडेंसेशन। सीधी सी बात है, सैंड एंड वाटर का मिक्सर है, इसको फिल्टर कर दो, फिल्टर पेपर पर सैंड रह जाएगा, फिल्टरेट निकल जाएगा, तो फिल्टरेशन, सी आंसर। थर्ड नंबर, ए मिक्सर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर कभी नहीं मिलेगा, सेपरेट कैसे करोगे, हमने पढ़ाया होगा, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनेल, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। तो सेपरेटिंग फनेल आंसर होगा, क्योंकि सेपरेटिंग फनेल में आपको मालूम है कि दो तरह का लिक्विड होता है, इमिसिबल लिक्विड है, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इमिसिबल है, तो वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर रहेगा, पहले वाटर को निकालेंगे फिर ऑयल बचा रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वी डिसॉल्व ए सब्सटेंस इन वाटर। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वी डिसॉल्व ए सब्सटेंस इन वाटर। पानी में कुछ चीज को हम घुला देते हैं, जैसे क्या बनता है, सॉल्यूट, मिक्सर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, तो बनता है सॉल्यूशन, जो डिसॉल्व कर जाता है तो सॉल्यूशन बन गया। चलिए अब नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड नो मोर सब्सटेंस, मतलब उसमें कुछ नहीं और घुल सकते। मैंने बताया है
वो सोल्यूशन जिसमें कुछ भी नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं तो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। नो मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व, सैचुरेटेड सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन इन विच नो मोर सब्सोल्यूट कैन बी फर्दर मेड टू डिजॉल्व। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए बच्चों। फिफ्थ नंबर ए सोल्यूशन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब सैचुरेट कर गया, नो मोर सोल्यूशन सोल्यूट सब्सटेंस कैन बी एडेड, लिखा है नो मोर मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड आर कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आंसर हो गया सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा आंसर, सैचुरेटेड। चलिए सिक्स नंबर, आफ्टर हार्वेस्टिंग फसल काटने के बाद द ग्रेन ऑफ द फूड द ग्रेन्स ऑफ द फूड क्रॉप्स आर सेपरेटेड बाय। हार्वेस्टिंग के बाद, फसल काटने के बाद क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, बाय थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आंसर हो, गेहूं काटने के बाद कहाँ ले जाते हो, थ्रेसर पर ले जाते हो, थ्रेसिंग। नाउ सर्कल द ऑड वन, इसमें जो ऑड वन आउट, ऑड वन समझते हो, तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम हो और एक कुत्ता है, ऑड वन आउट डॉग, ठीक है। तुम्हारे घर में कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे हैं और तुम हो, ऑड वन आउट तुम, क्योंकि कुत्ता बिल्ली और चूहे ये तीनों तो एक साथ होंगे, जानवर आ गए, तुम ऑड वन हो गए, ऐसे ही तुम्हें ध्यान रखना। हाँ सुनो, सर्कल द ऑड वन आउट, सर्कल द ऑड वंस। पहला क्वेश्चन, हैंड पिकिंग हाथ से चुन लो, इवेपोरेशन, विनोइंग एंड थ्रेसिंग। ये खेती में हैंड पिकिंग होता है, विनोइंग होता है हवा में उड़ाते हो, एंड थ्रेसिंग होता है हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग होगा, ऑड वन आउट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज आउट ऑड वन आउट। सेकेंड क्वेश्चन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट कर दिया, उसके बाद डिकेंट कर दिया, डिकेंटेशन, उसके बाद कंडेंसेशन हो सकता है, विनोइंग ऑड वन आउट। विनोइंग क्या होता है, जब गेहूं को हवा के सामने गिराते हैं तो उसके सारे भुस्से उड़ जाते हैं, उसके हस्क उड़ जाते हैं हवा से। यू आर क्लीनिंग द ग्रेन बाय यूजिंग द विंड इन द विनोइंग। थर्ड नंबर, ऑड मैन आउट, सैंड, शुगर, चॉक पाउडर, वाटर। सैंड है, शुगर है, चॉक पाउडर, इसमें लिक्विड क्या है, सभी सॉलिड है, एक लिक्विड है वाटर, ऑड मैन आउट। चलिए फोर्थ में, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सैंड। सॉल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट जो मोर क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, सैंड अलग चीज है, ऑड मैन आउट। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, द मिक्सर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ डैश साइज डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। चलनी से क्या करते हो, अलग अलग साइज का होता है, छोटा वाला नीचे गिरेगा, बड़ा वाला ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम विनोइंग, सीविंग, सीव, ऐसा होता है ना सीव, इसमें छोटे छोटे छेद बने, जो इससे पास करेगा वो नीचे गिर जाएगा, जो नहीं होगा ऊपर आ जाएगा, तो सीविंग। डिफरेंट साइज, आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग विनोइंग। विनोइंग By using
आपको बताया था विनोइंग क्या होता है, देखिए कैसा फोटो है विनोइंग का, अभी बता देता हूँ आपको। ये विनोइंग है बाय बाय विनोइंग, विनोइंग याद रखो विनोइंग, ठीक है ओके विनोइंग। ठीक है अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। डैश एंड डैश कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल जो लिक्विड में नहीं घुलता, चॉक वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर में कैसे सेपरेट करोगे, चॉक पाउडर एंड वाटर कैन बी यूज्ड नहीं डैश एंड डैश कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या क्या यूज कर सकते हो, पहला यूज कर सकते हो फिल्टरेशन, दूसरा यूज क्या कर सकते हो सेडिमेंटेशन, ठीक है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस नीचे बैठ जाएगा तो इनसॉल्युबल है, सॉलिड है इनसॉल्युबल नीचे बैठेगा लिक्विड, एंड फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर पर रह जाएगा इनसॉल्युबल। फोर्थ नंबर डैश इज यूज टू सेपरेट स्टोन्स एंड पेबल्स फ्रॉम द सैंड एंड कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या करते हैं उसे सीविंग, हम सीव यूज करते हैं जिसे बालू चालते हैं इसे बोलते हैं सीविंग। सीव इज यूज्ड सीव इज यूज टू सेपरेट द स्टोन फ्रॉम द सैंड। फिफ्थ क्वेश्चन द एक्सटेंट टू विच ए सबस्टांस गेट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक हो गया सो बच्चों यहां तक मैंने कर दिया, अब अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी, मैं कोशिश करता हूं। इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग ऑफ व्हीट ग्रेन मिक्स्ड विथ टीनी बिट्स ऑफ पेपर, व्हीट ग्रेन और पेपर के साथ मिक्स कर दोगे व्हिच विल फॉल एट द ग्रेटर डिस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, तो निश्चित रूप से पेपर हल्का होता है दूर में जाके गिरेगा, बिट्स ऑफ पेपर गेहूं नीचे आएगा। इन डिकेंटेशन वी कैन पोर द क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर जेंटली विथ द हेल्प ऑफ ए बीकर, एक बीकर से दूसरे में पानी पसा लेते हैं विथ द हेल्प ऑफ बीकर। नाउ थर्ड नंबर क्या होगा, ड्यूरिंग द फिल्टरेशन व्हाट डू वी ऑब्टेन ऑन द फिल्टर पेपर, दैट इज रेसिड्यू, वी आर गेटिंग रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेट नीचे आ जाता है। हाँ भाई द साल्ट फ्रॉम सी वाटर इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, इवापोरेशन फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन, आंसर होगा इवापोरेशन, ये भी आंसर कर दिया बच्चों। अब आपको वेरी शॉर्ट आंसर ये करना है, इतना मैंने आंसर कर दिया है, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके आप ये सारे आंसर कर लें, अगले क्लास में हम मिलेंगे, थैंक यू।